हेलो डियर पेरेंट्स एंड हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 1 साल से 3 साल तक के बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी देखेंगे, ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी फॉर 1 to 3 ईयर किड्स, फ्रॉम 1 to 3 ईयर किड्स। जैसे कि मेरे पास कुछ मैंने मार्केट से ख़रीद रखा है और कुछ मेरे पास ऑलरेडी होममेड चीज़ें ही हैं, घर पे ही रखी हुई चीज़ें हैं। या जैसे कि आप देखते हैं, वैसे हमारे पास काफ़ी सारी पेंसिल होती हैं, इन पेंसिल का हम यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल से शेप बना सकते हैं। जैसे कि ये इस तरीके से शेप, ये फ्लोर पे रख के इस तरीके से ये सर्कल हो गया। और बच्चे को बोलिए इसी तरीके से पहले आप खुद बनाइए और फिर बच्चे को बोलिए इसी तरीके से सर्कल बनाना है, जैसे सॉरी ट्रायंगल बनाना है, इसी तरीके से ये इस तरीके से फ्लोर पे बनाना है। फिर अपने बच्चे को बोलिए कि ऐसे ही बनाओ। और मेरे पास जैसे कि ये ऑलरेडी सेल हैं, घर पे ही रखे हुए थे, इनका यूज़ कैसे करना है। जैसे पेरेंट्स मम्मी के पास ये होती है बैंगल्स, तो सेल में बैंगल डलवाइए, फिर दूसरी बैंगल डलवाइए और ये फ्लोर पे रख के करवाना है, या फिर बेड पे रख के करवा सकते हैं आप। इस तरीके से एक सेल के ऊपर दूसरा सेल, इस तरीके से सिर्फ दो दो सेल ऐसे ये करवाना है। एंड जैसे कि अगर घर में इरेजर हैं काफ़ी सारी, तो इरेजर के ऊपर इरेजर एंड इस तरीके से इरेजर, इस तरीके से ये करवाना है, ये फ्लोर पे रख रख के करवाना है ये। एंड ये बच्चों के पास होते हैं जैसे कि ये सर्कल डालना होता है इनमें, ये ऑलरेडी होते हैं घर में। अगर नहीं है तो बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपका मन है तो ले आइए। जैसे कि इस सर्कल का यूज़ उसमें तो डालना हो ही गया, लेकिन साथ में ये सर्कल है, इस पे हम बोल डाल सकते हैं, फिर दूसरे सर्कल पे भी हम बोल डाल सकते हैं, बोल रख सकते हैं, फिर थर्ड सर्कल पे भी इसी तरीके से करेंगे बच्चों के साथ। ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी में ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे। एंड आई हैव मैनी फ्लैश कार्ड आल्सो, जैसे कि मेरे पास काफ़ी सारे फ्लैश कार्ड हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट नेम के हैं, फ्रूट नेम के हैं, एनिमल्स नेम के हैं, वेजिटेबल नेम्स के भी हैं, जैसे कि मैंने अब मिक्सअप कर रखे हैं। इन फ्लैश कार्ड के ज़रिए भी हम उनको काफ़ी सारी जैसे फ्रूट नेम, फ्लावर नेम, इन सब चीज़ों के बारे में बता सकते हैं एक एक करके। कब 10 फ्लैश कार्ड है मेरे पास, जैसे कि पी आर, अभी तो मैंने मिक्सअप कर रखे हैं, ऐसे उन बच्चों को ऐसे बता सकते हैं, ऐसे दिखा दिखा के, बार बार दिखाइए, बार बार दिखाने हैं, ऐसे नहीं कि हम एक ही बार दिखाएं और हो गया, बार बार दिखाते रहेंगे। टोटो रिक्शा एंड लाइन, इस तरीके से बार बार दिखाएंगे तो वो उनको, छोटे बच्चों को ये समझ में आ जाएंगे और याद हो जाएंगे। एंड आई हैव ऑल्सो सो मैनी ब्लॉक्स, मैंने ये बाय किए थे मार्केट से, जैसे इन ब्लॉक से हम काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। मैं कुछ ब्लॉक्स निकाल लेती हूँ, जैसे कि ब्लॉक से सर्कल बन सकता है, कुछ बहुत सारी चीज़ें बन सकती है ब्लॉक्स में। ब्लॉक्स डलवाएंगे, बच्चे के साथ बैठ के करवानी है ये सारी एक्टिविटी, ऐसे ही नहीं कि आप अलग हो जाएं और बच्चा अकेला करते रहे। पहले बच्चे के साथ बैठिए, फिर आप अपना काम भी करते रहिए। अगर आप बच्चे के लिए टाइम निकाल लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा अपने बच्चे के लिए। हर एक पेरेंट्स को कम से कम 2 ही घंटे, ठीक है 2 घंटे ज़रूर टाइम निकालिए, ऐसे कुछ भी बनाइए और फिर बच्चे को बोलिए कि इसी तरीके से बनाओ। ये ब्लॉक्स भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे बच्चे के लिए, और साथ में आप ब्लॉक्स को देख देख के उनको ये भी बता सकते हैं ये कि दैट इज़ पिंक कलर, दिस इज़ स्काई ब्लू कलर एंड दिस इज़ ऑरेंज कलर, इस तरीके से आप बच्चों को बता सकते हैं। एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं मेरे पास, लेट मी शो यू। फिर हम जैसे कि मैंने ये मार्केट से बाय किए थे, जैसे हम ए टू जेड ABCD भी दिखा सकते हैं, सारी चीज़ें नहीं दिखानी, कुछ दिखा दीजिए, जैसे कि ABC और D, पहले ABC और D की पहचान करवाइए, अलग से निकाल लीजिए उनको। जैसे कि ये C4 cat, बार बार बताएं, डेली करवाएं ऐसी एक्टिविटी, डेली करवाएंगे तो आपके बच्चे के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और इसी तरीके से 1 से 10 तक, जैसे मेरे पास 7 है,
सेवन बार बार दिखाएंगे, सेवन दिस इज सेवन दिस इज सेवन, और सीक्वेंस में एक बार आप वन से टेन तक ये ऐसे काउंटिंग फ्लोर पे लगाइए वन से टेन तक, और फिर अपने बच्चे को भी बोलिए लगाओ। वो गलत करेगा, वो बच्चा एक बार तो शुरुआत में रोंग करेगा, फिर दूसरी बार रोंग करेगा, तीसरी बार रोंग करेगा। आप भी बार बार लगवाइए, बार 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 बार, क्योंकि बार बार चीज़ें सीखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा, फिर बच्चा करेगा इसी तरीके से। और फिर मेरे पास कुछ जैसे कि कलर्स भी हैं, जैसे कि हम कलर्स दिखा सकते हैं बच्चों को। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, इस तरीके से कलर्स दिखा सकते हैं ये, एंड ये एक चीज़ बच गई थी, जैसे ये बैंगल्स हैं, और घर घर में दाल होती है, किचन में दाल होती है, राजमा दाल होती है, चने होते हैं, चने लेके आइए और बैंगल्स में एक एक करके डलवाइए कि एक इसमें डालो। और घरों में फ्लावर होते हैं, जैसे गमले तो होते ही हैं सबके घर में, मोस्टली होते ही हैं गमले, सभी के घर में होते हैं। गमलों से कुछ फ्लावर तोड़िए, फ्लावर तोड़ के या फिर कुछ पत्ते तोड़ लीजिए, और पत्तों से गोल गोल सर्कल बनाइए, गोल सर्कल काफ़ी इजी होता है, गोल सर्कल खुद बनाइए और फिर बच्चे को बोलिए कि आप भी गोल सर्कल बनाओ। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट गमले होते हैं, कुछ अलग पत्ते होते हैं, कुछ अलग पत्ते होते हैं, कुछ छोटे पत्ते होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। मिक्सअप कीजिए सभी पत्तों को और बोलिए कि उनको अलग करो, उनको अलग करो, उनको अलग करो, ऐसे कि ये वाले पत्ते अलग, ये वाले पत्ते अलग, ऐसे ही। और इसी तरीके से अगर आप ब्लॉक्स बाई करते हैं तो कुछ ब्लॉक्स इकट्ठे कीजिए, जैसे कि ऑरेंज ऑरेंज ब्लॉक्स अलग करो, पिंक पिंक ब्लॉक्स अलग करो, इस तरीके से आप काफ़ी सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। और एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये काफ़ी